हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ के ट्रेड टेस्ट चल रहे हैं और ये हमारे आप ही के भाई का एक एक्सपीरियंस वीडियो 8 अगस्त का, तो आप लगे इसको सुन सकते हो कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस में आप लोगों को क्या क्या शेयर किया है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो हमारा मेन चैनल है वो हमारा स्टडी चैनल है, तो इस पर सिर्फ पढ़ाई की वीडियो डाली जाती है। इसी कारण से हमारे आरपीएफ के जितने भी बच्चे हैं वो मेरे चैनल के नीचे एक और मैंने ऐड कर दिया है कल ही, तो जिसमें क्या आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से जो है ऐड कर रखा है, उसमें हाल ही 250 से 300 बच्चे जुड़ गए हैं जो सारे के सारे आरपीएफ वाले ही हैं। तो जितने भी बच्चे आरपीएफ में पूरा अपडेट जानकारी चाहते हैं, तो 1 तारीख से मैं सारा का सारा वीडियो जो है उसी पर शेयर करूंगा, क्योंकि अगले महीने में जितने भी ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं सारा का सारा वीडियो आप लोग उसी चैनल पर उपलब्ध होगा। जब तक के लिए आप लोगों के लिए यही उपलब्ध है। यदि वो जल्द से जल्द चालू हो जाता है, मीन्स बन के सब्सक्राइबर के बाद चैनल एक्टिव होता है, यदि आप लोग उस पर बन के जल्दी से जल्दी जुड़ जाओगे सभी लोग, तो जल्द से जल्द वहीं इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि इस चैनल पर हम आप लोगों को स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ये एक एकेडमी है जिस पर एकेडमिक स्टडी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। ओके, और जो हमारे भाई ने आपके साथ शेयर किया है तो आप लोगों को उसको भी ध्यान से सुनना है, क्योंकि आपका भी जब भी ट्रेड टेस्ट हो तो आप भी हमें जो है संपर्क कर सकते हो। आप लोगों को मेरा वीडियो में जो है नंबर मिल जाएगा कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जिससे आप हमें बता सकते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। मैं एक बार बोलना चाहूँगा, मेरा मोबाइल नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है 9303315375, 9303315375। तो ये सब कुछ, ये एक्सपीरियंस का नौवा वीडियो, इससे पहले मैं 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोगों को इन भाई का एक्सपीरियंस सुनना है कि किस प्रकार से क्या हुआ, इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बखूबी इस प्रकार से निहारा है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे क्वेश्चन इनसे डाउट क्लियर करवा दिए हैं, और इन्होंने एक एक बात बताया है कि किस प्रकार से क्या करना है। इनको वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनना है ध्यान से। और आपका भी यदि कोई भी क्वेश्चन है तो मैंने आपको नंबर बता दिया है, व्हाट्सएप पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही यदि आप अपना जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। तो इनको अंत तक जरूर सुनिएगा, और नीचे जो चैनल दिया गया आरपीएफ ट्रेड टेस्ट उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे से आप लोगों को वीडियो वहीं पर उपलब्ध होने वाली हैं। धन्यवाद दोस्तों। आप अपना अनुभव अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहोगे सर? हाँ शेयर कर लूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो बिल्कुल सर, ये बहुत बहुत आपका आभार होगा, क्योंकि सर बहुत से बच्चे जो है क्या है ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाते हैं लेकिन उनको बहुत सी नॉलेज नहीं होती है, तो इस कारण से आपका जो यदि इतना जो नॉलेज हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा सर। हाँ नॉलेज हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। अभी हाँ दे दूँ नॉलेज या थोड़ी देर बाद, अभी तो बंदा सो रहा हूँ मैं भाई। कल ही शाम के बैठ हुआ हूँ, यहाँ तक मैं था मेरा। सर तो थोड़ा अभी दे दीजिए सर, 5 से 10 मिनट लूंगा सर आपके, इससे ज़्यादा कोई समय नहीं सर। हाँ ठीक है। हाँ सर बताइए सर, जिस प्रकार से आपका क्या क्या हुआ सर वहाँ की, सर कोई वीडियो वगैरह है सर आपके पास? ना वीडियो तो नहीं बनाया उस समय, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, लेकिन मैं भाव अच्छी तरीके से दे सकता हूँ, बंदों को बता सकता हूँ हाँ किस तरीके से अगर बंदे करेंगे तो हो सकता है, उनका 99% हो सकता है। हाँ सर, तो सर निवेदन है सर आप शुरू कीजिए, जिससे क्या है आपको हजारों बच्चे सुनने वाले हैं। आप सर 9 बजे से सर आपका वीडियो जो है सभी लोग सुनने वाले हैं, तो सर आप अपना अनुभव बहुत अच्छे तरीके से, जितना अच्छे से अच्छा अपने भाइयों को दे सकते हो उतना अच्छा से अच्छा दीजिए। किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, किस प्रकार से क्या काम करवाया जा रहा है, किस प्रकार से, मतलब हर एक चीज़ सर आप शेयर कीजिएगा सर बहुत हाँ आपका। बस 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 शुरू करूँ तो मैं। हाँ सर सुन कीजिए सर। मैं अंदर जैसे 5:30 बजे पहुंचा गेट पर, यस सर। तो वहाँ 5:30 पर उन लोगों ने एंट्री ली, यस सर 5:30 सर। और जाके आरपीएफ जोनल ट्रेनिंग सेंटर नासिक। अच्छा सर, सर एक क्वेश्चन है सर यहाँ पर, सर मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहूंगा इसीलिए, क्योंकि सर कुछ बच्चों के क्वेश्चन सर मैं डालता हूँ तो बच्चों के क्वेश्चन भी आते हैं। अब क्वेश्चंस को क्या मैं नोट कर लेता हूँ, तो उससे क्या है बच्चों के जो भी ये डाउट हैं क्लियर हो जाते हैं, सही है? तो सर ये बताइए सर, 5:30 बजे जाते हैं तो यदि उससे लेट पहुंचे तो सर अंदर एंट्री मिल जाएगी कि नहीं? जाएगी 10 बजे तक एंट्री, 11 बजे तक एंट्री दे सकते हैं वो। ऐसा सर, चलो सर। हाँ सर, और फिर बस अंदर पहुंचे तो ग्राउंड में पहुंचे, जैसे हम लोग तो बारिश हो रही थी तो इसलिए ग्राउंड पर वो काफी अच्छा माहौल था ग्राउंड पर, और बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की उन लोगों ने, ऐसा सर मतलब अलग से व्यवस्था की। तो बस उन आए तो उन लोगों ने सीरियल नंबर दिए, जो नंबर 1 नंबर 1 एक बार में 500 बंदे लेते हैं एक दिन में, वो एक दिन में 500 बच्चों को बुलाते हैं। हाँ 500 बच्चों को बुलाते हैं, यस सर, जिसमें 10-50 बंदे एब्सेंट भी रहते हैं, जिसमें 10-50 बंदे 50 बंदे एब्सेंट भी रहते हैं, समथिंग सपोज 50 बंदे मान लो एब्सेंट भी है, यस सर।
50 बंदे अपसेंड होने के बाद तो बस वो बैठा है, उन्होंने सीरियल नंबर दिया, सीरियल नंबर 1 से देते हैं, तो मेरा सीरियल नंबर 12 था। यस सर। सीरियल नंबर 500 तक बंदों को दे दिया। यस सर। बस तो उनने दिया और एक बार में वो 50 बंदे अंदर ले गए। यस सर। ठीक है। यस सर। अंदर 50 बंदे ले जाने के बाद उनने सीधा जाके बायोमेट्रिक एक नहीं, नहीं पहले एक रूम में बैठाया, सबको समझाया कि बंदो ऐसा ऐसा करना है तुम्हें, टेस्ट में मतलब टेस्ट में जो कुछ बनाना है साफ साफ सुथरे तरीके से करना है। मैंने कहा ठीक है, सब लोगों ने बोला ठीक है। फिर उसके बाद बस बायोमेट्रिक के लिए बुलाया हम लोगों ने, तो वहां हम लोगों की बायोमेट्रिक हुई सब लोगों। फिर बायोमेट्रिक के बाद उनने बैठा दिया दूसरे रूम में। फिर उसके बाद डीआईजी साहब आए, बस स्ट्रेट टेस्ट के लिए हम 14 बंदों को एक बार में ले गए। एक बार में 14 लोगों को ले गए। हाँ, एक बार में 14 बंदों को ले गए। सर, आपका स्ट्रेट टेस्ट किस दिनांक में था सर? 8 तारीख में, 8 अगस्त 2019 में। चलो सर। हाँ सर। हाँ, तो बस मेरा हो गया। फिर उन्होंने स्ट्रेट टेस्ट के लिए बुलाया, मेरा सोम का था, मैं पहले नंबर का मेरा ही था 16, मैं 14 बंदों को बुलाया तो मेरा सीरियल नंबर 12 था, इसलिए मेरा ही था पहला, मेरा ही था। तो वहाँ पहुंचे हम जैसे प्रेस में, तो 14 गैस सिलेंडर चूल्हे मतलब स्टैंड पे रखा हुआ था, सब सब कुछ मतलब खड़े में करना था, बैठने का कोई सिस्टम नहीं था। ना ना ना, बैठने का कोई सिस्टम नहीं था, खड़े में करना था। तो बर्तन गंदे अंदर डले थे, गंदा अंदर था वहाँ, बस उनने बोला कि साफ करो ये बर्तन। तो बाहर गए बाथरूम के पास और वहां साफ किया हम लोगों ने बर्तन। अभी बर्तन साफ किए, कढ़ाई थी जिसमें दो प्लेटें थी, एक खाने वाली प्लेट थी, ठीक है, एक गिलास था, चम्मच था, एक झरिया थी, एक बड़ी चम्मच थी, चाकू थी, छिल्ली थी, तो तवा था, चकला और बेलन दोनों, मतलब ये सारा चीज धोने को बोला उनने नहीं बोला, लेकिन ले जाना पड़ता है सब कुछ धोने को। आए वहां से धो के आए, अपना सामान रखा दूसरी टेबल पर और सब चला गया, सामान तो सजा लिया बोलो। तरीके से सामान सजाने के बाद बस उनने बोल दिया वो चेक करेंगे अपना सामान, कैसा धुला है, किसका कैसा धुला है, मतलब। सो सर, मतलब आपसे बर्तन मंजवाए गए थे सर? हाँ। क्योंकि सर अभी तक बर्तन मांजने का एक्सपीरियंस किसी ने भी नहीं दिया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या है, नया वीडियो होगा, क्योंकि सभी लोगों ने सर खाना बनाने का दिया है, सफाई वाले का दिया है, सब्जी वालों ने दिया है, सर बर्तन मांजने वाला आपका पहला होगा सर। बस फिर हम लोगों को बोला गया है, डीआईजी साहब ने सबका बर्तन चेक किया है और सबका अच्छा था। तो हम लोगों से बोला गया है कि 3 रोटी का आटा लगाइएगा आप लोग। अच्छा सर, बर्तन भी मंजवाए और आटा भी लगवाया? हाँ, बोले 3 रोटी का आटा लगा, बस 3 मिनट दिए साथ में, 3 मिनट सर 3 मिनट दिए, या सर हमारे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर लगभग 5 मिनट दे रहे हैं हर एक काम के लिए। हमारे में तो 3 मिनट दिए हमने, बता तो रहे हैं हम आपको। 3 मिनट सर घड़ी से लगा करके देते हैं, अनुमान वाले देते हैं? नहीं नहीं, डीआईजी साहब या तो घड़ी से लगा के वो जाने, लेकिन उन्होंने तो बोला आपके पास 3 मिनट समय है, 3 मिनट समय है, बस 3 रोटी का आटा लगाना है। तो देखो, हमें तो एक्सपीरियंस था, हम 11 साल से खाना ही बना रहे हैं, 11 साल से हम खाना ही बना रहे हैं, तो हमें तो एक्सपीरियंस था, तो हमने तो 2 मिनट में 3 रोटी का आटा लगा दिया। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे सर आपने आटा लगाया तो सर आटा छानना पड़ा या पहले से छना हुआ था? मैं रखा था आटा नीचे, छना हुआ के नीचे डिब्बे में आटा रखा था। तो बस बोलता 3 रोटी का आटा, कटोरी में डली उसमें आटे में, तो आटे में कटोरी डली, तो कटोरी में 3 रोटी का आटा हो जाता है, एक कटोरी में 3 रोटी का आटा हो जाता है। हाँ।
अच्छा सर, और जैसे सर आपसे ये सब कुछ करवाया गया तो सर हाँ फिर आपके वहाँ तीन रोटी का आटा लगाया गया, तो यस सर। आटा लगा दिया हम लोगों ने, चेक भी हो गया, अच्छा था हमारा आटा। तो उस 16 बंदों में से हम 2 बंदों को लिया गया। फिर बस नेक्स्ट बच्चों को हम लोगों को जाने को बोला कि जाओ हाँ, तो वो अपने वहां बैठ, जहाँ से आए मतलब जहाँ एंट्री करके पहुंचे थे वहीं बैठ गए हम लोग सारे जो। नेक्स्ट बच्चों से जो हम लोगों की आटा था ना, उसकी एक एक रोटी बनवाई गई नेक्स्ट बच्चों, अगले 14 बंदों से रोटी बनवाई गई। तो बस एक एक रोटी उन लोगों से एक एक रोटी बनवाई गई, 4-4 मिनट का समय दिया। रोटी भूलना चाहिए जरूरी है, रोटी फूलना जरूरी है। फूलना जरूरी है, तो रोटी फूलना सर कोई चाहिए। उपाय है जैसे किस प्रकार से यदि रोटी बनाई जाए तो फूल जाए, अपने भाइयों को थोड़ा बता दीजिए। सर आप तो क्या है, बोल रहे 11 साल से ही काम करते यार। हाँ तो मैं इस प्रकार बनाए बंदे रोटी के अच्छी तरीके से बनाए, और रोटी बनाने के लिए उनको एक गैस गैस चूल्हा नहीं मिलेगा, जो घर पर होता है अपने चूल्हा वो नहीं मिलेगा, भट्टी मिलेगी वहाँ। भट्टी पे सर कैसे सीखेंगे सर? भट्टी पर ऐसे सीखेंगे कि फेंकने वाला अलग से रखा है जाली, ठीक ऐसा है, तुमने तवा दिया, तुम्हें तवा पर थोड़ा थोड़ा सेको उसको, और जाली पर सेक लो, या जाली पर नहीं सेकना है तुम्हें, कपड़ा देते तो कपड़ा लगा के तवाई पे फूट फुला दो, ठीक है। रोटी पतली होना चाहिए, गोल होना चाहिए हाँ सर। बस। फिर उसके बाद हमारे बाद नेक्स्ट वन नौ से नेक्स्ट वन ले आए, उसके बाद 16 28 निकल गए। फिर अगले 14 आए, बस उनसे उनने 2 रोटी और बची थी, 2 रोटी का आटा बचा था, 2 रोटी लगवाई उनसे और सब्जी लगवाई। अच्छा, उनसे मतलब किसी से चाहे तो 2 काम भी करवा सकते हैं, किसी से 1 काम भी, ऐसा ना सर? हाँ ऐसा कुछ नहीं, उनको जैसा करना है वैसा करवा दे, लेकिन हाँ बंदा ऐसा अपना 100% देकर करेगा तो हो जाएगा उसका। ऐसा है सर। अगर बंदा 100% देगा उसका तो हो जाएगा, लेकिन कई बंदे कुछ सोचते हैं, कई बंदे कुछ सोचते हैं ना, ऐसा होता है कि मैं क्यों करूं। पहली बात तो बंदे काफी पुलिस देख के डर जाते हैं, तो बंदों को डरना नहीं चाहिए बिल्कुल, वो थोड़े ना बड़े प्यार से बोलते हैं। सिक्योरिटी बहुत रहती है कहने का मतलब। हाँ सिक्योरिटी तो काफी काफी रहती है, सर आपका हो गया सर, सिक्योरिटी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ हुआ सर? हाँ। फिर उसके बाद बता रहे हम, जैसे ही फिर 2 बजे उन लोगों ने रिजल्ट दिया हमारा, 3 बजे तो उसे 3 बजे हमारा मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया, तो देख नहीं पाए हम। तो उसे 3 बजे रिजल्ट दिया, 2-3 बजे के लिए सीरियल नंबर बोला रहा अपना सीरियल नंबर, वो बोल देते हैं कि हाथ पर मत लिखो, कहीं कपड़े पर लिख लो, अंदर ऐसी जगह लिख लो जहाँ छूट ना पाए। ये नंबर मतलब याद रहे, आगे पीछे का बंदा भी याद रहे, बस उन्होंने सब बंदों को 500 बंदों के टेस्ट हो गया, बैठा लिया बस, तो उन्होंने वो कर दिया। हाँ सीरियल नंबर दिए, तो मेरे 500 बंदों में से 47 बंदे पास हुए, 500 बच्चों में से 47 बच्चे सिलेक्ट किए उन्होंने। हाँ 47 बच्चे सिलेक्ट किए। हाँ जिसने हमारे बैच से जो हम 14 गए थे वो 2 बंदे गए थे। ऐसा सर। हाँ हम्म। तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे वो ले गए आगे सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या करवाया सर, ये वो बता दीजिए सर थोड़ा। हाँ बता रहे हैं, आगे ले गए वो तो बस रूम में बैठा लिया उन्होंने लोगों ने, और तो जो हम 47 बंदे थे तो हम लोगों को उन लोगों ने नाश्ता भी कराया था, हम लोग टेस्ट में निकल गए तो नाश्ता भी कराया उन लोगों ने। नाश्ते में क्या क्या खिलाया सर? नाश्ते में चाय पिलाई, चाय के अलावा 2-2 समोसा दिए, और एक एक बेसन वाला लड्डू भी दिया, मतलब मुंह मीठा करा दिया सर आली। हाँ मुंह मीठा करा दिया। और सर जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कितने, हाँ सर पूरा बताते रहिए सर क्या क्या हुआ सर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे निकले हम लोग, तो हमारा दूसरा नंबर था, हमने बताया आपको, तो हम लोग बस निकले, तो उनने चेक लिस्ट दी, चेक लिस्ट
डीवी चेकलिस्ट भी। तो डीवी चेकलिस्ट में उनको दो को मैथ हाई स्कूल मैट्रिक की लगानी है, और जो कुछ इंटर वगैरह हो तो इंटर लगा दीजिए, ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन भी लगा दीजिए। हाँ मतलब सर कोई उसके फाइनल कंपलसरी नहीं रखा कि सर ये तो लगाना ही कंपलसरी, बताइए क्या क्या है सर। हाई स्कूल कंपलसरी हाँ है, और सर और क्या क्या डॉक्यूमेंट सर। और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यस सर, केन का चाहिए सेंटर वाला। सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, और सर डोमिसाइल। डोमिसाइल स्टेट वाला चाहिएगा, डोमिसाइल हाँ स्टेट वाला, और दो फोटो चाहिए, और स्वयं से प्रमाणित हो, जो प्रमाणित हो, अपना सिग्नेचर करना है हर डॉक्यूमेंट पर। और जो डीवी चेकलिस्ट देने वो दो फोटो लगाना उसमें अपना सिग्नेचर करके। हाँ, बस उनको अटैच करके वो देंगे फाइल, तो फाइल के ऊपर नाम लिख देना अपना, कैटेगरी लिख देना अपना, रोल नंबर लिख देना अपना, और पोस्ट भी लिख देना कि पोस्ट पे है। बस यही करवा दू, और बस अंदर बुलाया उन्होंने, तो काफी डीआईजी साहब है, सब चीज साहब काफी लोग बैठे थे। तो बाहर हम लोग पहुंचे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में ले जाना, जो डुप्लीकेट लगाए, हाँ जेरोक्स लगाया वो ओरिजिनल भी साथ में ले जाना। बस उसके बाद अंदर पहुंचे डीआईजी साहब के पास, उनने बैठाया, बधाइयां दी उनने, अच्छी बात है बेटा। बस और फिर डॉक्यूमेंट के लिए उन्होंने चेक किया, सब सही निकला, डॉक्यूमेंट सही निकला, तो बस अंदर उनने क्लिक करवाया और जाके बाहर भेजा दिया हमें। फिर 10 मिनट बाद डॉक्यूमेंट मेरे पास भी आ गए ओरिजिनल। अच्छा सर, तो क्या कहते हैं अब वो सब कुछ, मतलब सर कितने बजे तक आपका समाप्त हो गया था सर? सर 6:30 हो गई थी मेरे को। हाँ, ऐसा सर। फिर डॉक्यूमेंट सबके वापिस आ गई, एक साथ सबको छोड़ दिया था। फिर ऐसा सर। नहीं, फिर बाद में सिग्नेचर और भाई अंगूठा भी लगवाए, थम जिस जिसका हुआ वो दोस्त का थम, और वो भी लगवाया, तुम्हारा हो गया। और जिस बंदे के कागज अगर तैयार नहीं है डॉक्यूमेंट, उनको 10 से 12 दिन 15 दिन का समय भी दिया जा रहा। यदि डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो उनको 10 से 12 दिन का समय भी दिया जा रहा है। हाँ, 10 से 15 दिन का समय भी दिया जाता है कि अब आप जाओ बनवा के लाओ। हाँ, ऐसा सर। काफी अच्छा हो रहा है। हाँ, और सर आप अपना कुछ ऐसा जो चीज आपने देखी हो, आप अपने भाइयों के साथ शेयर करना चाहते हो सर, कुछ अलग से, मतलब मतलब कैसा लगता कुछ ऐसा उनका अलग। बोलना चाहते हो, थोड़ा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि सर कुछ बच्चे बहुत डरे हुए हैं सर। मेरे पास बहुत फोन आ रहे हैं दिन रात सर, मेरे पास बहुत फोन कॉल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से। मेरे पास कम से कम नहीं तो बोलूँ 300 से 400 कॉल आ चुके हैं, जो लोग बोल रहे हैं सर कैसे कैसे क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए। इसीलिए क्या है सर, मैंने कि स्पेशल ट्रेड टेस्ट वालों का जो है चैनल क्रिएट कर दिया है, जो है अपना जो MCG अकेडमी मेरा चैनल है, उसी के नीचे RPF ट्रेड टेस्ट नाम से मैंने चैनल क्रिएट कर दिया है ना सर। इसीलिए कर दिया क्योंकि सर बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और ये मेरा चैनल जो स्टडी चैनल था, जिस कारण से सारे जो RPF वाले बच्चे हैं वो RPF ट्रेड टेस्ट चैनल पर अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि सर वहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है मुझे, जब तक सभी की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, जब तक हर बच्चे को एक एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, हाँ तो ठीक है। हाँ, अच्छा किया ना सर। बढ़िया किया। बस और सर आप कुछ मोटिवेट करना चाहोगे अपने भाइयों को? कुछ मोटिवेट नहीं, बल्कि किसी चीज से डरे नहीं, शक नहीं होता है। अपना 100% दें तो 100% वहां से भी मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कोई तो बल्कि 100% ना दे इधर से 100%, अगर हाँ बंदा ऐसा है कि बंदा यहाँ काम कर रहा है कुछ वहां सोच रहा है, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ कुछ कर रहा है वो, वहां कुछ, बंदे को हौसला रखें, हौसला बनाए रखें तो अच्छा चलता है, हाँ, क्योंकि ठीक है। वो हर चीज एनालाइज करते हैं। हाँ, हर चीज वो तो ऐसा होता है कि जैसे सामने खड़े पुलिस, तो पुलिस कोई वो नहीं है, आप सोचो कि पुलिस खड़ी तो पुलिस कोई अलग से है, हम तुम में से ही तो पुलिस है, और कोई तुम्हें से तो पुलिस है नहीं, सही है। तो उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जो उनने बोला बस अपने 100% देकर अपने काम करते रहो, नीचे सर डाल के उनने कितना टाइम बोला बता देंगे वो तुमको। अपने काम से मतलब रखो, किसी को ना पीछे देखो, ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, सही है किसी से सर। मतलब ना रखो, अपना काम से काम मत रखो। अच्छा है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना जो है अनुभव अपने भाइयों के लिए इतना कुछ बोला, क्योंकि सर बहुत से बच्चे क्या है कि
एक तो इस कारण से नहीं बता रहे हैं कि यदि उनका हो भी जाता है तो वो इसलिए एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है सर। आपका हो गया या नहीं भी हुआ, लेकिन आपको शेयर तो करना चाहिए सर। अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग शेयर, हम तो शेयर करवा दो यार भाई, कुछ भी शेयर करो। एक बार आप मेरे जीमेल पर मैसेज भेजना, हाँ सर। आप अपना